सो हे गाइस, शुभ है एंड वेलकम टू न्यूज़ बाय सुबीडी चैनल। सो गाइस, आज की पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पूरबजा एंड हर्ष बेनियल की तरफ से। तो इन दोनों को काफ़ी दिनों से एक वीडियो में नहीं दिखा गया, तो इसी वजह से इन दोनों के फैंस लोग पूरबजा को पूछ रहे थे कि क्या ये हर्ष बेनियल की टीम को छोड़ दिए हैं। बाकी वो कल स्टोरी अपलोड किया था जहाँ पर वो बताए थे कि आज दो बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पर वो सारी बातें शेयर करेंगे कि क्या हुआ है, किसकी गलती है। और आज 2 बजे वो वीडियो अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मैं इधर प्ले कर रहा हूँ। बाकी अगर फुल वीडियो देखना रहेंगे तो आप लोग उसके चैनल पे जाकर देख सकते हो। बाकी ये रही है क्लिप। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए, मुझे बताना था लोगों को। तो बात कर रहे थे भाई, इतना कोई आर्गुमेंट वाला सीन नहीं था, हमने इतना ही बोल दिया था कि शिशु का डीकी सुखी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एल बी सदक की तरफ से। तो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर वो एक वाटर पार्क की ओपनिंग पे गए हुए थे। बाकी सब कुछ ठीक था, बस मैनेजमेंट सही नहीं था, तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। वो पार्ट आप देखिए। काइंड ऑफ मीटअप खत्म हो गया, वाटर पार्क भी खुल गया, सारी चीज़ें हो गई, बट एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगी। बाकी बताओ क्या चीज़ सही नहीं लगी भाई? मैनेजमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट मेरे को सही नहीं लगा। क्यों सही नहीं लगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो अपने बंदे आए उन्होंने उन पर लाठी चार्ज करवाई। पहली चीज़ मैं उनको मना कर रहा था अंदर से बैठ कर, कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो कहते नहीं, वो भीड़ को काबू में कर, मैंने कि भीड़ काबू में करना इज डिफरेंट, भीड़ को मारना इज डिफरेंट। मैंने कि उनको एक बाउंड्री सेट कर दो कि उसके आगे ना आए। ये मारने का कोई वो थोड़ी है, लाठी चार्ज वगैरह पुलिस पुलिस थोड़ी है, बाउंसर्स कर रहे हो सारे काम। तो एक चीज़ वो चीज़ टोकी मैंने। और जितने भी भाई इवेंट वाले अगर कोई मेरे को बुलाते हो तो एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो क्या ही है, मतलब वैसे है कि भाई लाठी चार्ज मत करो, फैंस को किसी को भी कुछ कुछ बोलो मत, इन्जॉय करने दो। बस वैसे उनको बता दो कि भाई इतना आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। काबू करना अलग चीज़ होती है, नहीं तो भाई इवेंट मैं इनको भी बोल देता, मैंने भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ स्टार्टिंग में। जब उन्होंने कही कोई बात नहीं, हम मैंने कही तो क्या तो मेरे को मिलवाओ इनसे, क्योंकि हर बार मीटअप मैच होता है उस चक्कर में मैं गाड़ी खाता हूँ कि भाई मीटअप तो कर लेते हो और मिल के नहीं जाते हो। आज प्रॉपर बातचीत हुई, इनका माइक भी नहीं चल रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, माइक मुइक तो अलग चीज़ होगी। दूसरी चीज़ भाई, जितने भी मेरे भाई बंधु आ रखे थे राजस्थान के, राजस्थान में मैं जब भी जाता हूँ भाई बहुत ज़्यादा प्यार मिलता मेरे को। और मेरे जितने भी भाई बंधु आ रखे थे जहाँ जहाँ से भी, जयपुर साइड से भी आ रखे थे, सीकर से भी आ रखे थे, और भी प्रॉपर यहाँ जो जगह थी अपने, कौन सी जगह आ रखे थे? मतलब जगह कोई नाम नहीं उसका, वापस हो चुके हैं, मतलब सही था मीटअप, बढ़िया था वो वाला। स्टार्टिंग में जो उन्होंने करा ना, उसके बाद मेरा दिमाग सा चटक गया। मीटअप तो क्या था, मतलब मिलने का? मतलब मीटअप तो नहीं था, मैं तो बोला रहा था कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे रिबन कटाई के लिए, रिबन तो ना काटा, वैसे ही ओपनिंग करी है हम तो मुँह मुँह। और माइक वाइक की सुविधा, बाउंसर्स की सुविधा, ये सारी चीज। इन 20 बाउंसर गई थी, 20 तो ना थे यार, कम थे, बहुत कम थे। पुलिस की भी गई थी, पुलिस अंदर तक नहीं आई, जब शिफ्ट सी अलग चीज होती है। बट इट वॉज गुड, तो अभी घर निकल लिया भाई।